स्टार्ट। असी जो भारती मूल दे लोक बाहरले मुल्कां विच रहिंदे हाँ सानू कई नावां नाल पुकारिया जांदा है, जिवें कि ओवरसीज़ इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन जां परसन ऑफ इंडियन ओरिजन डंडी। इन्हां सारे शब्दां नू कलावे विच लैंदा इक शब्द है इंडियन डायस्पोरा डंडी। बहुते भारती हाई कमिश्नर जां राजदूत घरां विच भारती डायस्पोरा दा इक अलग सैक्शन बनिया होया है डंडी। फिर भी विदेशां विच पक्के तौर ते सैटल हो गए लोकां बारे कुछ व्यक्तियां जां संस्थावां दा कहना है कि वह प्रवासी भारती हन, ना कि भारती डायस्पोरा डंडी। वह साडी स्थिति नूं डायस्पोरस स्थिति मनण लई तैयार नहीं हन डंडी। उन्हां दा कहना है कि यह शब्द सिर्फ यहूदियां दे संदर्भ विच ही वरत्या जांदा है डंडी। 6वीं सदी विच यहूदियां नूं फिलिस्तीन विचों जबरदस्ती कढ के बेबीलोन वल तक दिता गया सी डंडी। इस करके अज भी यहूदी दुनिया भर विच खिलरे मिलते हैं डंडी। सदियां बाद भी इन्हां दा सब कुछ सांझा है, कल्चर, बोली, धर्म, विरासत ते यकीन आदि सब। ते ये एक दिन अपने मुल्क वापस जाण दा सुपना देखदे रहे हन डंडी। हुण तां दूजे महायुद्ध तों बाद इन्हां नूं अपना मुल्क वापस मिल गया है ते उत्थे रहण लगे हन, पर हाले भी बहुत सारे यहूदी बाहरले देशां विच वसदे हन डंडी। उन्हां नूं अज भी ज्यूइश डायस्पोरा कहा जांदा है डंडी। डायस्पोरा दे जे असी अर्थ देखिए तां मोटे तौर ते हथ लगदे हन किसे मुल्क दी आबादी दे इक हिस्से दा खिंडरा डंडी। खिंडर के इन्हां लोकां दा दूजे मुल्क विच पक्के तौर ते जा वसना डंडी। आम तौर ते अपना मुल्क छड देण दे राजनीतिक कारण हुंदे हन। ब्रेक। रेडी स्टार्ट। पर समय दे नाल नाल इस विच आर्थिक ते होर कुछ कारण भी जमा हो गए हन डंडी। डायस्पोरा दे पुराने अर्थां ते टिके रहण वाले चिंतकां दा कहना है कि लोकां दे इस खिंडरा विच उन्हां दे अपने ही मुल्क विचों जबरदस्ती कढ़िया गया हुंदा है, जिवें यहूदियां नाल कीता गया सी डंडी। इस तों बाद अफरीकन लोकां नूं भी जबरदस्ती गुलाम बना के अमरीका विच लिआंदा गया सी, पर अफरीकना लई डायस्पोरा शब्द बहुत घट वरत्या गया है डंडी। यहूदियां बिना किसी होर मुल्क दे लोकां दे दूजे देश विच जा वसण वाले लोकां लई ए टर्म वरतण विच कुछ बुद्धिजीवी खुश नहीं हन डंडी। उन्हां दी ए नाखुशी थोड़ी बहस तां मंगदी है, पर इन्नी भी नहीं कि शब्द दी वरतों नूं नकार दिता जावे डंडी। डायस्पोरा दा इस्तेमाल जां इस दी भावना दी वरतों बाइबल विच मिलदी है डंडी। इस शब्द दी उत्पत्ति ग्रीक भाषा विचों हुंदी है डंडी। जद हैब्रियो बाइबल नूं ग्रीक विच उलथाया गया तां किसे ना किसे तरह जलावतनी दी स्थिति लई इस शब्द दी वरतों उसरनी शुरू होई डंडी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑनलाइन मुताबक अंग्रेजी विच इस शब्द दी वरतों पहली बार 1876 विच होई डंडी। 20वीं सदी दे मध्य विच अंग्रेजी भाषा विच ए शब्द लंबे समय तो एक मुल्क दे दूजे मुल्क विच रहिंदे लोकां लई वरत्या जाण लगा डंडी। अकैडमिक पद्धर ते भी डायस्पोरा
ਤੋਂ ਇਹੋ ਭਾਵ ਜਾਂ ਅਰਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਖਿਲਰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸਟੋਪ।